रहे कि मैं क्यों रो रही हूँ इसलिए रो रही हूँ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है लेकिन हिंदू मुस्लिमों को लड़वा रहे आपस में मत लड़ो प्लीज सबको एक दिन मरना है मत लड़ो आपस में हिंदू मुस्लिम मत लड़ो प्लीज हम सब एक है हम हिंदुस्तान हमारा है मत लड़ो बगल में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब है मेरा सादर अनुरोध है माननीय भूपेन्द्र जी से कि आपको संबोधित करें मित्रों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर विपक्ष के कुछ दलों द्वारा और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा अफवाह और भ्रम की राजनीति की जा रही है और मैं कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या भारत के एक राजनीतिक दल जिसके पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 2003 में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करी थी क्या वो देश में भ्रम फैलाएगी या अपने नेता से क्लैरिफिकेशन पूछेगी नंबर दो कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी द्वारा इस बंद और हिंसा के दौरान आगजनी जैसे विषयों का प्रयोग किया गया क्या कांग्रेस देश में आगजनी का उपद्रव का समर्थन करती है तीसरा क्या एक प्रमुख विपक्षी दल इस विषय पर भारत के बाहर दूतावास पर प्रदर्शन करता है क्या वो इस नीति को उचित मानते हैं चौथा कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सरकार के समय में संसद में विभिन्न प्रश्नों पर और समय समय पर कांग्रेस के सभी मंत्रियों के द्वारा हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की स्थिति उनके भारत आने उनके भारत में रहने पर चिंता व्यक्त की गई थी क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होना चाहिए और उसके बाद उनकी सरकार में गुजरात में और राजस्थान में वहां से आए हुए प्रताड़ित हिंदू समाज के लोगों को नागरिकता दी गई क्या वो उससे पीछे हटना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों लोगों के जीवन में जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित तो होकर अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए उनके जीवन में एक आशा विश्वास सुरक्षा आस्था पूजा पद्धति की समानता गरिमापूर्ण जीवन देने का एक रास्ता प्रशस्त किया गया है आज देश के 1101 शिक्षाविदों ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन हुए उसका समर्थन किया है अनेकों विश्वविद्यालयों से लगातार पत्र प्राप्त हुए हैं और इस पत्रकार वार्ता के पश्चात श्री संजय मयूख जी आप सबको उनकी प्रतिया भी उपलब्ध कराएंगे हमारा मानना है कि हम विपक्ष के द्वारा जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा जो लगातार देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है इसका जवाब देंगे और आज हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले दस दिनों में एक विशेष संपर्क अभियान चलाकर हम घर घर जाकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पक्ष में हर जिले में रैली और सभा करके और देश में जो इन तीन देशों से आए हुए जो प्रताड़ित धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो शरणार्थी हैं उनको लेकर के भी रैली करेंगे पार्टी देश में ढाई सौ से ज्यादा स्थानों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करेगी हम देश के सभी क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में इस अभियान के समर्थन में और इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए पार्टी आने वाले दस दिनों में एक लगातार अभियान चलाएगी और हमारा मानना है कि देश की आम जनता शांति के साथ रहना चाहती है लेकिन देश के माहौल में शांति के माहौल को भ्रम के माध्यम से अशांति में बदलने का काम कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं हम चाहते हैं कि देश में जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो भ्रम फैल रहा है उसको दूर करेंगे और हमारा स्पष्ट मानना है कि धीरे धीरे ये भ्रम टूट भी रहा है और सत्य लोगों के सामने आ रहा है जेडीयू ने, ने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने पूरी तरीके से स्टेटमेंट भी दिया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो जेडीयू ने समर्थन किया है हम उनका धन्यवाद भी देते हैं एनआरसी और, है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता में जो तीन देशों से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने का विषय है जहां तक एनआरसी का विषय है वो एक प्रशासनिक विषय है और एनआरसी में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए एनआरसी में जो भारत के नागरिक है वो सारे के सारे नागरिक के पंजीकरण करने का प्रावधान है और भारत के संविधान के भी अनुच्छेद दस में ये प्रावधान है कि एक बार जो भारत का नागरिक है वह हमेशा भारत का नागरिक रहता है इस द्वारा जो विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है हम संवाद के द्वारा उनको दूर करेंगे तो 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 वही तो मैं कह रहा हूं लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही है उनके झूठ को हम लोग जनता से संवाद करके बेनकाब करेंगे हमारा स्टैंड एकदम से क्लियर है हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट के सारे विषयों को लेकर के तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों के बीच में जाएंगे देश में ढाई से ज्यादा स्थानों पर पत्रकार वार्ताएं करेंगे सभी क्षेत्रीय पत्रकारों के साथ हम पूरे स्पष्टता के साथ जनता के सामने इस विषय को रखेंगे और उसके साथ ही साथ देश में एक हजार से ज्यादा रैलियां करके भ्रम की राजनीति को समाप्त करेंगे हमारा यह मानना है कि भारत का हर नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जो उस छोटे से छोटे समुदाय का भी है वो सब भारत के नागरिक हैं, सब गरिमापूर्ण तरीके से रहें, इस बात को लेकर हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है करके। इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने आज जिस प्रकार से आरजेडी ने आगजनी करके हिंसा बिहार में करी है गरीब गुरबा पिछड़ा ठेले वाला गरीब मजदूर रिक्शे वाला जो बिहार की गरीब जनता है उसके प्रति जो हिंसा फैलाई है क्या कांग्रेस और आरजेडी उसका समर्थन करते हैं जरा जवाब दें।, दें हम सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं सभी सभी भारतीय नागरिक देखिए ये लोग जानबूझ करके इस प्रकार का विषय करते हैं हाँ शशि थरूर जी के जो ट्वीट है चाहे कांग्रेस का भारत की राजनीति को लेकर विदेशी दूतावासों पर प्रदर्शन हो ये इस बात को दर्शाता है कि देश की मुख्य विपक्षी दल अपनी दिशा से भटक गई है और मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में हिंसक आंदोलन को समर्थन देना ये किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है हम विद्यार्थियों के साथ भी संवाद करेंगे एनआरसी पे जो भ्रम फैलाया गया उसको दूर करेंगे मैंने पूर्व में भी कहा है कि देश के छह से ज्यादा विश्वविद्यालयों के पत्र तुरंत हमारे पास है हम आपको रिलीज करेंगे देश के ग्यारह सौ एक अकेडमिशियन ने अपने अपने समर्थन के माध्यम से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की सच्चाई पर अपनी राय रखी है और ये सच्चाई जनता के सामने जाएगी और मेरा यह मानना है कि कभी भी सच का सूरज कभी छुपेगा नहीं अंतिम विजय सत्य की ही होगी बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी के द्वारा जिस प्रकार से भारत के आंतरिक विषयों में यूनाइटेड नेशन को लेकर के बयान दिया गया है मुझे लगता है उससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान को ही नहीं हो सकता है बंगाल की सरकार को उनके द्वारा प्रायोजित हिंसा को बंद करना चाहिए हम जो कर रहे हैं संविधान सम्मत विषय कर रहे हैं आपको उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कम से कम ममता बनर्जी जी को यूनाइटेड नेशन वाले बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए था 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 था। हम जब कह रहे हैं कि हम देश के हर परिवार तक संपर्क करेंगे तो देश के हर कोने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरात से लेकर के और गुवाहाटी तक देश के हर कोने में हम संपर्क करेंगे हर घर हर परिवार हर वर्ग के बीच में जाकर के इस संपर्क कार्यक्रम को ले जाएंगे इसकी तुलना करना ठीक नहीं है लेकिन आंदोलन को हिंसक बनाने की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के ऊपर है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद